हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। क्या आप जानते हैं ऐश्वर्या अभिषेक की बेटी आराध्या का निकनेम क्या है? ओके, लेट मी गेस। आरु, आरा, आयु, आर्धु, सोना। आप भी यही गेस कर रहे थे ना? सही पकड़े हैं। जी बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई भी नाम नहीं है। आराध्या की दादी जया बच्चन उन्हें एक खास फल के नाम से बुलाती है, जानते हैं क्या? स्ट्रॉबेरी। है ना प्यारा सा नाम। I wonder what the world is coming to। आराध्या और ऐश्वर्या के बारे में जया बच्चन को शायद ही कभी खुलकर बात करते हुए सुना होगा, लेकिन इस बार सूरज कहीं और से निकला और इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में जया बच्चन ने अपनी एक लौती पोती के बारे में खुलकर बात की है। अपने इंटरव्यू में जया ने बताया कि वो अपनी लाडली को स्ट्रॉबेरी के नाम से पुकारती है। वो इसीलिए क्योंकि जब वो पैदा हुई थी तो एकदम लाल स्ट्रॉबेरी की तरह दिखती थी। उसे देखकर जया को सबसे पहले स्ट्रॉबेरी का ख्याल आया, जिसके बाद जया ने आराध्या को ये निकनेम दे दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आराध्या किसी एक की तरह नहीं लगती, बल्कि वो ऐश्वर्या और अभिषेक की मिक्स है। वैसे इस बात का खुलासा पहले भी कर चुकी है, लेकिन अब के बार फिर उन्होंने अपनी पोती को लेकर इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स को बोला है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने ऐश्वर्या की भी तारीफ की है। हुई ना आपको भी हैरानी? इसी इंटरव्यू में जया ने कहा कि ऐश्वर्या की पेरेंटिंग बहुत अच्छी है। वो बच्चे पर इतना ध्यान देती है कि खुद भी उसके चक्कर में कहीं बाहर आती जाती नहीं है। दोनों माँ बेटी अक्सर ट्रिप पर भी जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग भी शेयर करती हैं, जो कि अच्छा है। जया के मुंह से ऐश्वर्या के लिए इतनी शुगर कोटेड बातें हजम नहीं हो रही ना भाई। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बोलना था तो जाहिर है अच्छा अच्छा ही बोलेंगी। अपने परिवार की कलह क्यों बताएंगी? अंदर खाने क्या है ये तो हमें पता है, क्यों है ना? पिछले कई दिनों से बच्चन परिवार और ऐश्वर्या के बीच मामला ठीक नहीं चल रहा। आए दिन दोनों परिवार के बीच कलह की खबरें मीडिया में काफी आ रही हैं। सुनने में तो ये भी आया था कि ऐश्वर्या को सास और ननद की हर बात में बीच में घुसना भी पसंद नहीं आ रहा। यहाँ तक कि अब तो अमिताभ भी थोड़े खफा खफा से रहते हैं। यही वजह रही है कि बच्चन परिवार की होली पार्टी में ऐश नजर नहीं आई। पर हाँ, बीच बीच में कभी कभी ऐश अपनी प्रेजेंस दे देती है, ताकि अफवाह फैलाने वालों के मुंह बंद हो सके। खैर, कमिंग बैक टू आर ओरिजिनल टॉपिक, स्ट्रॉबेरी। यानी कि आराध्या दादा दादी के अलावा अपनी माँ की भी लाडली है, इसीलिए ऐश ने उनको हर बुरी नजर से बचा के रखा है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बेटी को फिलहाल बॉलीवुड से भी दूर रखा है। बस बस बस, जया को ऐश की यही बात तो पसंद है। बीच में स्ट्रॉबेरी अपनी हेयर स्टाइल को लेकर काफी ट्रॉल हुई। लोगों ने कहा कि ऐश अभी भी आराध्या को बेबी बनाकर रखती है, लेकिन हाल ही में जब अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन में आराध्या अपने नए हेयर स्टाइल में नजर आई तो लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। इतनी सुंदर, इतनी एलिगेंट, शी वॉज जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। यानी एक बात तो साफ है कि ऐश्वर्या हर चीज का सही वक्त देखकर चीजें करती है। बेटी की ब्यूटी को उन्होंने इसी वक्त के लिए बचा के रखा था, ताकि लोकल मीडिया नहीं इंटरनेशनल मीडिया में बेटी की तस्वीरें पब्लिश हो। तभी मैं कहूँ इस इवेंट के लिए आराध्या का लुक कैसे बदल गया। खैर, ऐश्वर्या की पेरेंटिंग की तो अब जया भी तारीफ कर रही है। लगता है समय के साथ साथ उनको बहू की खूबियां धीरे धीरे नजर आने लगी। चलिए अच्छा है, सास बहू का रिश्ता सुधरे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम तो यही चाहते हैं कि ऐश्वर्या वापस बच्चन फैमिली में चली जाए और जया और स्ट्रॉबेरी फिर से एक दूसरे से बॉन्डिंग करने लगे। आखिर एक ही पोती तो है जिस पर जया जान निछावर करती है। जब आपके पास स्ट्रॉबेरी हो तो जीवन बेर जैसा मीठा होता है, पर जया तो हमेशा गुस्से में रहती है। खैर छोड़िए, दादी पोती की बात दादी पोती ही जाने। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।